देश में कोरोना की दूसरी लहर थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच केंद्र सरकार ने इसकी तीसरी लहर के बारे में चेतावनी दी है। सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर विजय राघवन का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर भी जरूर आएगी। वायरस का संक्रमण अपने सबसे ऊंचे लेवल पर है। अब ये तय नहीं है कि ये कब आएगी और कितनी खतरनाक होगी, लेकिन हमें नई लहर के लिए तैयार रहना होगा। राघवन बुधवार को कोरोना की स्थिति पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। राघवन के मुताबिक इन्फेक्शन के बाद शरीर में सक्रिय हुए एंटीबॉडीज और वैक्सीनेशन के बाद पैदा हुई इम्यूनिटी के बाद भी खतरा मौजूद रहेगा। कोरोना अपना रूप बदलेगा, हमें इसकी तैयारी करनी होगी और वैक्सीन को भी अपडेट करने की जरूरत होगी। राघवन ने कहा कि कोरोना की पहली लहर दो फैक्टर की वजह से कम हुई है। जिन लोगों को इन्फेक्शन हुआ उनमें इम्यूनिटी भी डेवलप हुई और मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग सहित बचाव के जो भी कदम उठाए गए उससे संक्रमण फैलना कम हुआ। बचाव के कदमों में ढिलाई बरती तो संक्रमण फैलना फिर शुरू हुआ।